बाबूजी कितनी उम्र है? हाँ उम्र कितनी है? 74 74 इतने कही तो मोदी जी है, आप मोदी जी को देखने जा रहे हैं इतनी गर्मी में? देश भी मोदी जी के है, मोदी जी का उम्र भी 74 हो, और मोदी जी यही आदमी है हिंदुस्तान हिंदुस्तान में रहेगा, इसीलिए मोदी जी को पास हिंदुस्तान का जितना हिंदू आदमी है सब उनको साथ देगा। तू तो कहती है कि मोदी गद्दार है। दीदी के कहने से हमको कुछ नहीं है। अरे सुन सुनिए, जो दीदी को घरवाला है उसका नाम है रंजीत घोष, उनको भी उसको विश्वास नहीं करता है। मोदी जी मेरा भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार? भगवान का अवतार है मोदी जी। आज दीदी बहुत खतरनाक है। क्यों नाराज है दीदी? हम लोग मोदी ही चाहिए। नहीं, वो जो बात काट के है ना, उनका गलत काम है। हम लोग मोदी जी का चाहिए। मोदी तो फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं उनका भक्त हूँ। हम लोग देशवासी मोदी का भक्त हूँ। दीदी ने काम नहीं किया? नहीं नहीं, काम का नहीं, काम का कुछ ना कुछ ना कुछ, बेकार बेकार बेकार। ताड़ी बताओ, ताड़ी ताड़ी, आज के पल आज के ही, इससे पहले कैसे ताड़ा ताड़ी हो? अरे वहाँ को जोल दीते घुचाओ। दीदी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दीदी भाई वो जेल में जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी का उन्नयन अब बंगाल में होगा। हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। विकास हुआ है, लेकिन दीदी का जो भाई है, भाईफो है, उन लोगों का विकास हुआ है। कोरोना चाल चोर सरकार आ नहीं दरकार। मोदी 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 मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे गाया जय श्री राम? किसने सिखाया जय श्री राम? कोई नहीं, मेरा जेठू। मोदी को जानती हो? बोले हाँ। कैसे लगते हैं? बोला अच्छा। दीदी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दीदी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लग रहा है माहौल अब की? जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार, मोदी जी। नहीं दीदी, अभी दिल्ली जाएगा। दीदी पाकिस्तान हटाओ। दीदी कह रही है एक पैर से बंगाल, दूसरे से हम बांग्लादेश। दूसरी पापी भागेगा दीदी का, व्हील चेयर ठेलेगा। दीदी भाई वो जेल में जाएगा। अभी मोदी को चाहिए। दीदी एक पैर में लगना हो गया, उसको पश्चिम बंगाल बाहर भेजना चाहिए। हम लोग को मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी कह रही है सारे मुसलमान इकट्ठे चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए, पश्चिम बंगाल। आपकी बार 200 बार नरेंद्र मोदी का उन्नयन अब बंगाल में होगा। फिर एक बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होगा। भारत माता मोदी के जय, मोदी के जय श्री राम, भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। क्या लग रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय हरि बोल, जय हरि बोल। क्या लग रहा है? बांग्ला हिंदी जानी ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। क्या लग रहा है आपकी बार में? राम जय श्री राम, माहौल क्या लग रहा है आपकी बार? हाँ जी, माहौल क्या दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी मोदी दीदी नहीं, मोदी नहीं, दीदी को नहीं, दीदी को नहीं है। दीदी को नहीं चाहिए। हम लोग 10 साल मुख्यमंत्री रही, महिलाओं के काम पे नहीं खरी उतरी? चाहिए खरीद, वो सारा भारत वर्ष को पश्चिम बंगाल खरीद करके रखा, किस उसको कोई कोई काम नहीं। हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। 10 साल में वो सिर्फ सिंडिकेट का राज चला था, ठीक है, और जो अम्फन का टाका है वो सब खा चुका है, ठीक है। ये सब समझ रही है अब की बार? हाँ, अब की बार मोदी सरकार का अभी समझ रहे हैं। घर घर बीजेपी चाहिए, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लग रहा है माहौल? मोदी मोदी मोदी, दीदी नहीं, बीजेपी 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 बीजेपी। दीदी दीदी नहीं मिलेगा, दीदी नहीं, बीजेपी बीजेपी। दीदी नहीं दादा दरकार, दीदी नहीं दादा दरकार, बीजेपी बीजेपी। जगह और कोई नहीं आएगा, पश्चिम बंगाल में आएगा तो मोदी जी ही आएगा। मोदी में कैसा विश्वास दिखाई दे रहा है? विश्वास वो अंतरात्मा से विश्वास करता है और बहुत जानता है। बहुत अच्छा है विश्वास, मोदी इस बार आएगा यहाँ पर। हमने मन बना लिया। हाँ, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सरकार आएगा ही आएगा। हाँ, मन बना लिया है। दीदी नहीं, दीदी नहीं, क्यों है नाराज दीदी से? दीदी के बहुत कुछ घोटाला है, दीदी ने बहुत कुछ घोटाला किया है। ये जो देख रहे नौकरी के मामले में, उसका बहुत ही
बुरा, विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, नौकरी विकास हुआ है लेकिन दीदी का जो भाई है भाईफो है उन लोगों का विकास हुआ है। बंगाल की जनता की हाल बहुत खराब है पिछले 10 सालों से। यहाँ के जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब स्टूडेंट है जो सरकारी नौकरी के लिए जाता है वो दीदी के जो पार्टी का कैडर है सब 10 लाख 15 लाख करके लेके वो नौकरी में गया है। हर पंचायत से मोदी जी कह रहे हैं अब की बार कमल छाप टीएमसी साबित हो रहा है। बिल्कुल साबित हो रहा है, ये जनफ्लावन और कलकत्ता की ब्रिगेड में जनफ्लावन ये इसका प्रूफ दे रहा है कि बंगाल में टीएमसी साफ हो रहा है और बीजेपी आ रहा है और हम सब लोग का ये दिल का एक उम्मीद है, मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। वही दीदी की बौखलाहट सामने आ रही है, कह रही है मोदी कोई भगवान है, पहले से ही भविष्यवाणी कर दे रहे हैं। दीदी अभी मेंटली पेशेंट हो चुका है, दीदी वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज उसका जो पब्लिक मीटिंग में जो बॉडी अपीयरेंस यही बता रहा है कि दीदी बहुत टेंस है। खेला तो होगा, विकास का खेला होगा, बीजेपी मोदी जी का विकास का खेला होगा, टीएमसी का जो गंदगी जो खेला है वो अभी खत्म, टीएमसी का जो राजनीति का खेल है वो नहीं होगा। खेला होगा, जय खिलावे 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 खेला होवे खेला होवे, जय श्री राम, खेला होवे खेला होवे खेला होवे, डबल इंजन खेला होवे। मोदी में क्यों विश्वास दिखाई दे रहा, सब ही जीतेगा मोदी का। कोरोना चाल चोर सरकार आने दरकार, दीदी में भरोसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, दीदी का कोई भरोसा नहीं है, बांग्ला बिक्री करे खे नेबे, क्यों भरोसा करेगा दीदी, अच्छा अच्छा बात नहीं बोलता, तो वो भी बोल रहा है जय बांग्ला बनाएगा, क्यों भी बोलता है पाकिस्तान बनाएगा, हम तो पाकिस्तान में नहीं रह सकता, हमारा सुस्सा समला सुनार बांग्ला में रहता है, क्यों जय बांग्ला में जाता है, पाकिस्तान बनाता है, हम तो जाना नहीं, हम इसलिए मोदी जी का जय जय कर रहा है। हाँ मन बना लिया, हाँ हम लोग बना बीजेपी बना लिया पूरा। बाबूजी कितनी उम्र है, हाँ उम्र कितनी है, 74 74 74। इतने कही तो मोदी जी है, आप मोदी जी को देखने जा रहे हैं इतनी गर्मी में, ड्रेस भी मोदी जी की है, मोदी जी का उम्र भी 74 हो 73 इसीलिए। अब हम लोग हिंदुस्तान है, 1947 में जब हिंदुस्तान हुआ था वही हिंदुस्तान, विरोधी जितना आदमी है भारत में वो लोग चाहता है जे पाकिस्तान को मदद देकर पाकिस्तान बनाएगा, और मोदी जी यही आदमी है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में रहेगा, इसीलिए मोदी जी को पास हिंदुस्तान का जितना हिंदू आदमी है सब उनको साथ देगा। दीदी ने तो कह दिया सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, वो कुछ नहीं कर क्या पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, जितना बोलेगा उसने वो झूठा आदमी है, उसको बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा है, वो तो कहती है कि मोदी झूठ बोलते हैं, हमेशा फेंकते हैं, बोलना हम लोग काम से मालूम होता है, काम से मालूम होता है कौन झूठा है, मोदी भी सच्चा है और दीदी भी झूठा है, जितना केंद्रीय का प्रकल्प है बोलता है सब हम दे रहे हैं और दे रहे हैं मोदी जी के केंद्रीय सरकार, वो झूठ बोलता है जो हम दे रहे हैं, नाम हो रहा है दीदी का, अब खा के ठंडा ही ले रहे हो क्या दादा, मोदी 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 जय श्री राम, जय श्री राम, दीदी नहीं दीदी नहीं मोदी 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 जय श्री राम, जय श्री राम, की बात लहर दिख रही, जय श्री राम, जय श्री राम, दीदी एकटा दिलो ढप शिल्प एखन आलू चप। आखिरी में सुन लीजिए, मोदी जी बंगाल में 180 से 210 तक सीट में जीत पाए मिलेगा। आपने तो बहुत बड़ी घोषणा कर दी, इतनी तो हमें साबित नहीं करते, अभी भी लिख लीजिए आप, 180 से 210 मोदी को सीट मिलेगा बंगाल में, पश्चिम बंगाल। विश्वास कहाँ से आ रहा है, काम आदमी को देख कर को विश्वास आ रहा है, वो तो हमको आपको भी देख के विश्वास दिखाई दे रहा है, अरे 74 साल का आदमी यहाँ पर मोदी जी को देखने के लिए आ रहा है। हाँ, उसको भी उम्र 74 साल है, हम कह रहे हैं बूढ़ा बूढ़ा आदमी को 180 से 210 तक सीट में जीतेगा मोदी। तू तो कहती है कि मोदी गद्दार है, दीदी के कहने से हमको कुछ नहीं है, अरे सुनिए, जो दीदी को घरवाला है उसका नाम है रंजीत घोष, उनको भी उसको विश्वास नहीं करता है, तो क्या बोलेंगे, तो क्या लग रहा है अब की बार जो कह रही है दीदी, अब की बार दीदी ने बोला कि सीआरपीएफ के लोगों को घेर लो और उनके ऊपर हमला करा दिया, वो तो दीदी का चाल है, राजनीति का चाल है, तुम घेर लो हाँ, और हम जनता को पास जाएगा, वो केंद्रीय भाई ने जो आया है उसको अत्याचार कर रहे, वोट हमको दीजिए, वो भी राजनीति का चाल है दीदी का,
वो चाल हिंदू आम बंगाल के सब आदमी समझ रही है आपकी बात, पूरा समझ गया। क्या समझ रही है? हाँ हम भी क्या क्या, क्या समझ गए? वही तो समझ गया दीदी। हाँ। जो बोल रहा है केंद्र वाहिनी जो आ रहा है आपको अत्याचार है, जो घर का औरत है उनको बोला तो हाथा खुंती लेकर को उसको विरोध करो। मोदी जी मेरा भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार, भगवान का अवतार है मोदी जी। आप दीदी बहुत खतरनाक है ताई, जनता समझ हमारा ममता दी, ममता दी जय श्री राम के तारे जाए जेले घरे ताई। आज के हमरा खोरकर्तार लिए এসেছি, खोरकर्तार लिए এসেছি दीदी के। जय श्री राम। क्या लग रहा है आपकी बार युवा क्या देख रहा है? जय श्री राम। क्या देख रहा है आपकी बार युवा? आज मोदी जी आ रहा है, वो बंगाल में मोदी जी आ रहा है, जय श्री राम, सब जय श्री राम। बीजेपी सरकार आ रहा है, ममता जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, वो सोनार बंगला बनाएंगे, वो सोनार बंगला बनाएंगे, मोदी जीतेगा, मोदी जी मेरा भगवान पता नहीं सोनार बंगला बनाएंगे। मोदी जी जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ममता नहीं जय श्री राम, ममता नहीं अखिल राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी जी। उन्होंने कहा कि सोनार बंगला बनाएंगे मोदी जी, इसलिए हमारा इत लोग तो एक्साइटेड है। युवा क्या देख रहा है आपकी बार बंगाल में? युवा कर्मसंस्थान के लिए देख रहा है। और उन्होंने ये वादा किया कि बंगाल के बहुत कर्मसंस्थान और इंडस्ट्रियल स्पॉट होगा, तो इसीलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या देख रही है आपकी बार? व्हीलचेयर में बसे दीदीमणि सरकार आने की दरकार। आप क्या देख रही है आपकी बार? कौन आएगा? बीजेपी दीदी नहीं, नहीं मोदी का ज्यादा है, अच्छा लोग है, मोदी मोदी जी को, मोदी दीदी नहीं, नहीं। क्यों नाराज है दीदी? हम लोग मोदी ही चाहिए, नाराज क्यों? नहीं वो जो बात काट के ना उनका गलत काम है, ताजी हम लोग मोदी जी का चाहिए और कोई नहीं। नहीं 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 चाहिए दीदी को। दीदी ने कुछ काम नहीं किया महिलाओं, जो काम किया सब गलत किया, सब गलत काम किया। मोदी तो फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं 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 मैं उनका भक्त हूँ, हम लोग देशवासी मोदी का भक्त हूँ, तो इस साल में मैं मोदी का चाहिए। जय श्री राम। मोदी जी कह दीदी कह रही है कि वो कोई भगवान है, पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं। नहीं नहीं हम लोग तो मोदी जी का चाहिए। हाँ भारत को सोनार बंगले बनाने के लिए हम लोग मोदी जी का चाहिए। क्या देख रही है अबकी बार महिलाएं मोदी जी के अंदर? मोदी जी जो कोरोना है ना उस समय में मोदी जी जो जो काम किया था देशवासी के लिए वो कहा बहुत अच्छी के है, इसलिए हम मोदी जी को चाहिए इस बात के। जय श्री राम। हम जो सरकार नहीं है, एक तृणमूल सरकार नहीं है, जो सरकार नहीं है मोदी जी के चाहिए सोनार बंगला बनाने की है। जय श्री राम, भारत माता की जय। हमरा दीदी के चाहिए ना, हमरा दादा के चाहिए, दादा चाहिए, हां दादा चाहिए दीदी। मोदी क्या दादा? मोदी जी की चाहिए, मोदी 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 जी। दीदी नहीं 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 दीदी हटाओ, दीदी हटाओ, मोदी जी के आ। बाबा क्या देख रहे हो आपकी बार? हमरा साहब मोदी के, मोदी और कोई नहीं, हमरा दीदी का हटी देन। मोदी जी चाहिए, दीदी नहीं चाहिए, दीदी कोई काम नहीं किया, पैसों के नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, पैसों के नहीं, तो बहुत काम हो जाएगा, मोदी जी आएगा। दीदी कहती है मोदी तो झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। कोई नहीं है, बात झूठा है, झूठा दीदी ने खुद झूठ बोलता है। पैर जो भंगा है ना वो झूठ भी है, हमको मालूम नहीं है उसका जो पैर भंगा है वो की अच्छा। एक पैर से बंगाल जीतेंगे, दूसरे से दिल्ली। वो बोल रहा है जो हम राज्यों का लड़की है, वो क्या राज्यों का लड़की है, वो तो बांग्लादेश का लड़की है, राज्यों का लड़का कोई है। कहती है मैं ब्राह्मण हूँ, अपना गोत्र भी बता। कोई ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो झूठ बोलता है। मोदी जी कोई झूठ नहीं बोलता, स्वामी विवेकानंद का भक्त है, स्वामी विवेकानंद का भक्त कोई झूठ नहीं बोलता है। देख रहे हैं मोदी के अंदर? मोदी के अंदर क्या देख रहे हैं? मोदी के अंदर सच देख रहा हूँ, सच देश का उन्नयन देख रहा हूँ। वो आएगा तो देश का उन्नयन होगा, ठीक है, और ममता जी आएगा तो देश का उन्नत नहीं होगा। सबका विकास, सबका साथ, मोदी सरकार। भाई जय श्री राम, जय श्री राम का नारा गूंज रहा राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम का नारा गूंज रहा। हाँ जय श्री राम की नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
घरे घरे एक नाम जय श्री राम 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 जय श्री राम। नारा गूंज रहा है अब की बार बंगाल में। हाँ, बंगाल में जय श्री राम का नारा बंगाल में। हाँ, दीदी हटाओ, दीदी हटाओ, दीदी ने काम नहीं किया। नहीं काम, नहीं काम, कुछ ना कुछ ना कुछ, बेकार बेकार बेकार। ताड़ी फटाओ, ताड़ी ताड़ी, आज के पल आज के ही। ऐसे पहले कैसे ताड़ा ताड़ी हो? अरे वहाँ को जोल दीते कुचाओ। जोल छाप डीएमसी साहब। ऐसे पूरे का छाप, पूरा छाप के मारो। पूरा सा। क्या बाबा क्या देख रहे हैं अब की बार? अगर मोदी सरकार दीदी नहीं 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 दीदी नहीं नहीं दीदी नहीं चाहिए, दीदी को नहीं चाहिए। जय श्री राम बोला।